नमस्कार, महाविद्यालय माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 3 चित्रलेखा उपन्यास और प्रश्न पत्र खंड के अंदर आज हम अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने उसकी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम प्रश्न उत्तर खंड के पर आते हैं। इसमें जो पात्र हैं उससे ये प्रश्न बनता है कि चित्रलेखा उपन्यास की नायिका कौन है। इससे एक प्रश्न बनता है। तो देखिए, चित्रलेखा उपन्यास की नायिका कौन है। चित्रलेखा उपन्यास की नायिका सबसे पहले, फिर आता है कि चित्रलेखा उपन्यास की नायिका की क्या उसकी का चरित्र चित्रण, उनका चरित्र कैसा था उसके बारे में अध्ययन करना। तो इससे दो प्रश्न बनते हैं। चित्रलेखा उपन्यास की नायिका कौन है। तो चित्रलेखा उपन्यास की नायिका के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय आचार्यों ने नायक और नायिका के विशेष रूप से विवेचन किया है, साथ ही किन्हीं विशेष गुणों से सुसज्जित माना जाता है। नायक को आचार्य धनंजय के अनुसार विनीत, मधुर और त्यागी। जो नायक होता है उसके गुण होते हैं विनीत होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए और दक्ष होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, युवा होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए, युवा होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। ये नायक के गुण होते हैं। इसके आधार पर हम नायक का चयन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रज्ञावान होना चाहिए, स्मृति संपन्न होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, कलाविद होना चाहिए, वो उसकी बहुत सारी विशेषताएं यहाँ बताई गई है। शूर, दृढ़, तेजस्वी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, उसे सभी उच्च गुणों से संपन्न होना चाहिए। ये सभी इनमें अधिकांश विशेषताएं चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्र बीज गुप्त के व्यक्तित्व में दृष्टिगोचर होती है। तो अगर हम इसका जो नायक माने तो नायक कौन है, इस उपन्यास का जो नायक है वो है बीज गुप्त। इन सारे गुणों के आधार पर बीज गुप्त को, अब बात आती है कि चित्रलेखा उपन्यास की नायिका कौन है। तो भारतीय आचार्यों के अनुसार नायिका प्रिया या पत्नी को नायिका कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार स्त्री उपन्यास की कथा वस्तु के विकास में प्रधान योग दे वही नायिका कहलाती है। नायिका के सामान्य गुण नायिका में भी होने चाहिए, उसी के आधार पर उसका चयन किया जाता है। यह है उपन्यास के, चित्रलेखा उपन्यास में दो प्रमुख पात्र हैं, चित्रलेखा और यशोधरा। दो स्त्री प्रमुख पात्र हैं इसके अंदर, एक तो है चित्रलेखा और एक है इसकी यशोधरा। ये दो प्रमुख स्त्री पात्र इस उपन्यास के अंतर्गत है। चित्रलेखा और यशोधरा, चित्रलेखा को नायक बीजगुप्त अपनी पत्नी मानता है। तो नायक बीजगुप्त जो है वो चित्रलेखा को अपनी पत्नी मानता है और ऐसा ही विचार नर्तकी चित्रलेखा का भी है। यद्यपि कुछ समय के लिए चित्रलेखा योगी कुमार गिरी के व्यक्तित्व से आकर्षित हो जाती है और संसार से विरक्त हो जाती है। वहाँ वो अपना जीवन संयम और नियम पूर्वक जीना चाहती है, लेकिन उसका सर्वांग सौंदर्य उसका दुश्मन हो जाता है, उसकी सुंदरता उसकी दुश्मन बन जाती है और योगी कुमार गिरी का पतन होता है और चित्रलेखा की साधना भी भंग हो जाती है और योगी के आश्रम में रहते हुए वह एक पल के लिए भी बीजगुप्त का विस्मरण नहीं कर पाती है और उसे योगी के आश्रम में सुख और शांति नहीं मिल पाती है और पुनः लौटकर भिखारिणी बनकर अपना सर्वस्व त्याग कर वह बीजगुप्त को अपना लेती है, वापस बीजगुप्त के पास पहुंच जाती है
और वह आलोच्य उपन्यास की कथा वस्तु में भी सहायक रही है। यशोधरा चित्रलेखा उपन्यास के नायक बीजगुप्त के संपर्क में आती अवश्य है। उसके साथ विवाह संबंध का भी प्रस्ताव रखा जाता है। अंत में यशोधरा श्वेतांग की पत्नी बन जाती है और कथा वस्तु के विकास में भी उसका विशेष योगदान दृष्टिगोचर नहीं होता है। कथा वस्तु के विकास में भी उसका विशेष कोई योगदान नहीं होता है और यह वह बीजगुप्त को अपना लेती है और वह आलोच्य उपन्यासी कथा वस्तु में सहायक रही है। विकास के लिए भी विशेष योगदान दृष्टिगोचर नहीं होता, उन गुणों से भी शोभित नहीं है और जिनकी नायिका की अपेक्षा है। आलोच्य उपन्यास का शीर्षक भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा रखकर यह प्रमाणित किया कि प्रस्तुत उपन्यास की नायिका चित्रलेखा ही है। तो इस उपन्यास की जो नायिका है वो कौन है? चित्रलेखा है। और नायक जो है वो है इसके बीजगुप्त है। अब देखिए, इसी आधार पर हम चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताएं तो देखिए, सबसे पहली विशेषता है वो व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व की स्वामिनी, व्यक्तित्व की स्वामिनी, स्वामिनी अर्थात व्यक्तित्व की धनी है वो, है ना। तो देखिए, चित्रलेखा का जो व्यक्तित्व है वो असाधारण है। उसके समान किसी का भी व्यक्तित्व इस उपन्यास के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता है। उसके व्यक्तित्व की गरिमा को समझ पाना बहुत सहज है। योगी कुमारगिरी उससे कहता है, देवी चित्रलेखा, मैं तुम्हें समझने में असमर्थ हूँ। तुम्हारा व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से नीचा नहीं है, लेकिन लेखक के अनुसार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसे दबा देते हैं और उसका अपना दास बना लेते हैं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। वह क्या करती है, यद्यपि चित्रलेखा अपनी इस आकर्षण शक्ति में भली प्रकार से परिचित नहीं थी, अनजाने में ही उसका प्रयोग करती है और कुमारगिरी अपने को रोक नहीं सकता है और उसकी तरफ वो आकर्षित हो जाती है। तो वो व्यक्तित्व की धनी है। दूसरा है उसकी, वो क्या है, सर्वांग सुंदरी है। सर्वांग सुंदरी तो देखिए, चित्रलेखा जो है सर्वांग सुंदरी थी। श्वेतांग ने भी कभी ऐसी अनुपम सुंदरी के दर्शन नहीं किए थे। चित्रलेखा का यौवन उन्माद का प्रतिबिंब था। उसके अरुण कपोलों पर लाली थी। उसके अधर मंद मुस्कान से भीगे हुए थे। उसके जो होंठ थे वो मधुर मुस्कान लिए हुए थे। उसकी आंखें हंसती थी। योगी कुमारगिरी उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर चकित हो गए थे। अपने जीवन में उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा था। और देखिए, श्रृंगार गृह से जब वह उसने सभा मंडल में प्रवेश किया तो उसके आभूषणों की झंकार में एक विचित्र प्रकार का संगीत था और उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमक रहा था। और देखिए, चोली में उसके सुडोल उरोजों की आभा फूट निकलती थी। वह उस समय साक्षात लक्ष्मी के रूप में थी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। सभा समाप्ति के बाद जब वह योगी कुमारगिरी के आश्रम में पहुंचती है तो उसकी हंसी का माधुर्य विचित्र था। वो जो हंसती है तो वो कुमारगिरी को भी आकर्षित कर लेती है। उसमें सजीव सौंदर्य से भरा संगीत था। योगी ने उसे असाधारण सुंदरी पर से अपनी आंखें हटाकर दूसरी ओर कर ली थी और वे उसे अधिक समय तक निहार नहीं सके थे। अर्थात उसकी आभा था तो उसकी चमक इतनी तेज थी कि कुमारगिरी भी उसको ज़्यादा देर तक निहार नहीं सके थे। अर्थात उसके ऊपर अपनी निगाह को नहीं टिका पाए थे। तो इससे होता कि वो क्या थी, सर्वांग सुंदरी थी। दूसरी थी सच्ची कलाकार। अगला जो थी उसकी विशेषता, वो थी सच्ची कलाकार। सच्ची कलाकार
देखिए चित्रलेखा का कंठ कोमल था, शरीर बहुत सुंदर था और जिस नर्तकी ने उसे आश्रय दिया था उसने उसे नृत्य तथा संगीत कला की शिक्षा दी। उसके बाद चित्रलेखा नर्तकी हो गई और जनसाधारण के सामने वह असाधारण सुंदरी बनकर आने लगी। विद्युत की भांति चमककर उसके सामने से लोग, जिसने उसे एक बार देखा उसके हृदय में उसे एक बार फिर देखने की अमिट साध उत्पन्न हो जाती थी। पाटलिपुत्र का जन्म जन समुदाय उसके पैरों पर लोटा करता था। वह अपने नृत्य के बीच किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहती थी, मतलब उसकी विशेषता थी कि अपने नृत्य करते समय वो किसी प्रकार का कोई व्यवधान पसंद नहीं करती थी। जब उसका नृत्य हो रहा था उसी समय योगी कुमार गिरि ने कहा कि मैं ईश्वर को जानता हूँ और इसी स्थल पर इसी समय सब लोगों को ईश्वर के दर्शन भी मैं करा सकता हूँ। जब उसे ऐसा कहा गया थोड़ी देर बाद के लिए उसके नृत्य को स्थगित करने की घोषणा हो गई, अर्थात उसके नृत्य को रोक दिया गया तथा चित्रलेखा को बहुत क्रोध आया और उसने चाणक्य की ओर क्रोध भरे नेत्रों से देखा और उससे दुगने क्रोध से कुमार गिरि की ओर देखा। सामंत मृत्युंजय के यहाँ आयोजित उत्सव में जब इस नृत्य को रोक दिया गया तो उसने उसे अपना और अपनी कला का अपमान समझा। उसने सोचा मेरी कला और मेरा यहाँ पर अपमान किया जा रहा है। मेरी दृष्टि में कला का सर्वोत्तम स्थान वही है, मनुष्य कला का अपमान करता है वह मनुष्य नहीं पशु है। और देखिए इसमें विदित होता है कि चित्रलेखा के जीवन में कला का सर्वोच्च स्थान था। सबसे पहला अगर वो किसी को स्थान देती थी तो वो अपनी कला को ही देती थी, क्योंकि कला में अगर किसी प्रकार का अगर उसको कोई व्यवधान लगता था तो वो सबसे बड़ा उसको दुश्मन लगता था। जिस प्रकार से उसका नृत्य जब बीच में रोक दिया गया तो उसको बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध भरी आंखों से चाणक्य की तरफ देखा। अब देखिए अगला जो था उसका विदुषी, अगली जो विशेषता थी उसकी विदुषी। चित्रलेखा सुंदरी होने के साथ साथ वो विदुषी भी थी, उसमें विचार शक्ति और प्रतिभा थी। प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती है और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा तथा मौलिकता का सर्वोच्च स्थान है। उसे दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र पर अधिकार था, मतलब वो बहुत बड़ी बुद्धिमान थी। हर तरह से तर्क शास्त्र या दर्शन शास्त्र उसका पूरा उसको ज्ञान था और दर्शन के क्षेत्र में वह योगी कुमार गिरि का सामना करने के लिए में सक्षम थी और बीजगुप्त के साथ भी दर्शन के सिद्धांतों पर बराबर बहस कर सकती थी। जब कुमार गिरि को उससे आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान तुम्हें सुमति प्रदान करे तो वह शांत रही थी और कहती है योगी सुमति के अर्थ में भेद होता है, अनुराग का सुख विराग का दुख है ना। तो वो कहती है इसमें भी क्या होता है, भेदभाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को निर्धारित करता है तथा उन पर विश्वास भी करता है और प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके अनुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। योगी के अविचलित भाव से उत्तर दिया वह सत्य है और वास्तविकता का ज्ञान मार्ग वही ठीक है, उससे शांति और सुख मिल सकता है। चित्रलेखा ने कहा शांति और सुख, शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम रहा है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वो एक विदुषी स्त्री थी। दूसरा था लोक व्यवहार में कुशल, अगला जो उनकी विशेषता थी वो थी लोक व्यवहार, व्यवहार में कुशल। लोक व्यवहार में कुशल, देखिए चित्रलेखा लोक व्यवहार में बहुत कुशल थी। जब श्वेतांग पहली बार बीजगुप्त के भवन में आया तो उसे बधाई देते हुए कहती है नवयुवक तुम्हें इस अनोखे संसार में प्रथम बार आने के उपलक्ष्य में बधाई हो। श्वेतांग जब चित्रलेखा को उसके भवन तक छोड़ने गया तो वह उससे मदिरापान न करने का कारण पूछती है। तब श्वेतांग कहता है कि संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है, संयम जो है वो जीवन का क्या है, एक आवश्यक अंग है तथा मदिरा और संयम में विरोध है। वह उससे संयम का लक्ष्य जानना चाहती थी। सुख और शांति श्वेतांग का उत्तर था और जीवन का लक्ष्य सुख और शांति, तब उसे कहती है जीवन हलचल है, परिवर्तन है और हलचल तथा परिवर्तन में सुख और शांति का कोई स्थान नहीं होता,
जिसके जीवन में हलचल होती रहती है तो सुख और शांति कभी स्थायी नहीं होती है, आते जाते रहते हैं। दूसरी थी उसकी विशेषता थी होती है सृजन की प्रशंसक। अगली चारित्रिक विशेषता थी सृजन की प्रशंसक। तो देखिए चित्रलेखा जो होती है श्वेतांग जब उसे सभा मंडल में विजय होने पर बधाई देता है तब वो उससे कहती है इसी बात का मुझे दुख है, मैंने जो कुछ किया है उसे सारा संसार ठीक समझता है पर मैं ठीक नहीं समझती हूँ। अर्थात जो मैंने किया है वो सारा संसार उसको अच्छा समझ रहा है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मेरा मन ये गवाही नहीं देता कि मैंने अच्छा काम किया है। कुमारगिरी योगी है और उसमें शक्ति है और उसका सत्य और ईश्वर ये दोनों ही उसकी कल्पना जनित थे, पर साथ ही मनुष्य में इतनी उत्कृष्ट कल्पना का होना भी असंभव है, इस कल्पना का स्रोत कहाँ है यही प्रश्न है। कुमारगिरी में सृजन की शक्ति है, मैंने जो कुछ किया है वह विनाश का काम था, मैंने सृजन का काम नहीं किया है। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता भी इस बात को काटने में नहीं होती है, उसे सिद्ध करने में होती है, बिगाड़ने में नहीं होती है, बनाने में होती है। दूसरा जो उसकी विशेषता थी अगली होती आस्थावादी। आस्थावादी तो देखिए चित्रलेखा जाति से ब्राह्मण थी, उसे ईश्वर ब्रह्मा आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म और कर्म फल पर विश्वास था। वह श्वेतांग से कहती है मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मेरा कुमारगिरी का युग युगांतर का संबंध है। मतलब क्या मानती थी वो, आस्था रखती थी, इस बात के अंदर आस्था रखती थी, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, साथ ही उसकी आत्मा को वह वेदव्य के संयम को पालने का यथाशक्ति प्रयत्न करती है और वह नर्तकी होते हुए भी पवित्र बनी रहती है। और देखिए उसकी अगली जो विशेषता थी वो थी सत्य कथन करने वाली, सत्यवादी सत्य बोलने वाली, सत्य कथन करने वाली, अतः सत्यता बोलने वाली, सत्य को प्रकट करने वाली। तो देखिए चित्रलेखा स्पष्ट सत्य कहने में विश्वास करती है, यही कारण था कि उसके कथन का विश्वास सामंत मृत्युंजय बीजगुप्त योगी कुमारगिरी जितने भी पात्र इस उपन्यास के अंदर थे वो सभी उसकी बात को मानते थे। उसके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति करते थे, नर्तकी होते हुए उसका हृदय स्वच्छ था और निर्मल था। सामंत मृत्युंजय कहते हैं चित्रलेखा का हृदय बहुत स्वच्छ है, अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। मृत्युंजय कुमारगिरी ने उसके प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए कहते हैं योगीराज क्या बीजगुप्त पर अधिक दबाव डालना उचित होगा। प्रश्न यह है कि चित्रलेखा कह गई है कि जो कुछ वह कह गई है उसे पूरा करेगी, इतना पूरा विश्वास है। तो अगला जो उसका उसकी चरित्र की विशेषता थी वो थी त्यागमय मूर्ति, त्यागमय। अब देखिए चित्रलेखा जो थी वो बीजगुप्त से अथाह प्रेम करती थी। जब बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह संबंध की चर्चा होने लगी तो वह अपने प्रेम को त्याग कर योगी कुमारगिरी से दीक्षा लेती है और इस तरह वह सिद्ध करती है कि उसका प्रेम वासना अथवा स्वार्थ पर आधारित नहीं है। लेकिन जब बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति और पद श्वेतांग को दान कर देता है और भिखारी बन जाता है तो वह अपने प्रेम को पाने के लिए अतुल संपत्ति का दान कर देती है और वह खुद भी भिखारिणी बन जाती है और बीजगुप्त के साथ निकल पड़ती है। तो इससे पता लगता है कि वह सबसे बड़ी त्यागमय मूर्ति थी, त्यागमय उसका जीवन जो था कैसा था, त्याग करने वाला। तो देखिए इसी के अगर निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं तो इसमें कहा गया है भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा की चारित्रिक विशेषताओं को प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। चित्रलेखा उपन्यास की अमर पात्र है जिस पर लेखक को अभिमान हो सकता है। स्वयं लेखक पर चित्रलेखा के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव था कि सन 1960 में जब
लेखक ने लखनऊ में निज का भवन बनाया तो उसका नाम क्या रखा था? चित्रलेखा भवन रखा गया। तो ये थी चित्रलेखा उपन्यास की जो नायिका चित्रलेखा, उसके उसका व्यक्तित्व चरित्र और उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं। इसी उपन्यास में से अगला प्रश्न बनता है कि चित्रलेखा उपन्यास जो था वह किस उद्देश्य से लिखा गया, मूल उद्देश्य क्या थे इसके। तो चित्रलेखा उपन्यास की रचना के उद्देश्य, तो देखिए, और जिसका जो नायक है बीजगुप्त, उसकी चारित्रिक विशेषताएं। इसका जो नायक था वो कौन था? बीजगुप्त। बीजगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं। बीजगुप्त श्री भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास चित्रलेखा का प्रधान पात्र अथवा नायक है। उसका चरित्र सभी गुणों से विभूषित है, उसकी अपेक्षा नायक के चरित्र में की जाती है। बीजगुप्त उच्च कोटि का ऐसा मनुष्य है जो अपने गुणों को देवता के समान पूजता है। वह विद्वान विचारवान है, प्रतिभा संपन्न है, युवा है, सुंदर है और जिज्ञासु है, वैभव संपन्न है। इन गुणों के आधार पर जो चित्रलेखा का जो नायक है वो कौन है? बीजगुप्त है। तो उच्च कोटि का मनुष्य, सबसे पहली विशेषता जो है उसकी वो क्या है? उच्च कोटि का मनुष्य है वो, उच्च कोटि का व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, मनुष्य भी कह सकते हैं, पहला उसकी विशेषता। तो देखिए, बीजगुप्त उच्च कोटि का मनुष्य था, वह दूसरों की भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति था और उसके दुख को दूर करने के लिए, बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी वह हमेशा तैयार रहता था। उसका जीवन खुली पुस्तक के समान था, हर कोई उसको पढ़ सकता था, हर कोई उसके बारे में जान सकता था। यह यशोधरा से कहता है, मेरे जीवन की कोई बात गुप्त नहीं है और गुप्त वे बातें रखी जाती है जो अनुचित होती है। गुप्त रखना भय का द्योतक होता है और भयभीत होना मनुष्य के अपराधी होने का द्योतक होता है। जो डरता है तो वो अपराधी बन सकता है। मैं जो करता हूं उसे उचित समझता हूं, इसीलिए उसे कभी गुप्त नहीं रखता। कारण मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता था कि अपने दुख से दूसरों को दुखी करना अनुचित है। तो इस प्रकार के विचार उसके थे। तो वो एक उच्च कोटि का मनुष्य था। दूसरा है सच्चा प्रेमी। अगली जो विशेषता है उसकी वो था सच्चा प्रेमी। सच्चा प्रेमी बीजगुप्त जो था वो कैसा था? सच्चा प्रेमी था। तो देखिए, बीजगुप्त ने अपने जीवन में केवल नर्तकी चित्रलेखा से प्रेम किया है, सच्चा प्रेम किया है, आत्मा से प्रेम किया है और उस प्रेम के लिए वह अपने अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहता है। चित्रलेखा जब उसे कहती है कि इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज का बदल जाना अस्वाभाविक नहीं है, प्रेम परिवर्तनशील है और प्रकृति का नियम भी परिवर्तन है। प्रेम उसी प्रकृति का एक भाव है, प्रकृति का नियम प्रेम पर भी लागू हो सकता है। वह कहता है, चित्रलेखा तुम भूलती हो, प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं है। इस प्रकार के उदाहरण वो चित्रलेखा को देता है। जिस वस्तु का प्रकृति से संबंध होता है वह वासना, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य से होता है। वासना का लक्ष्य यह शरीर है जिस पर प्रकृति से कृपा करके उसको सुंदर बनाया गया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, आत्मा का नहीं होता है। आत्मा का संबंध अमर होता है। चित्रलेखा के प्रतिवाद पर वह उससे कहता है, यदि ज्ञान अमर नहीं है तो प्रेम भी अमर नहीं है, पर मेरे मत में ज्ञान अमर है और ईश्वर का अंश है और साथ ही प्रेम भी अमर रहता है। प्रेम भी कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। और देखिए अगला, वो है जो है अगला थर्ड इसमें है, वो प्रतिभा संपन्न। अगला उसका जो गुण था वो क्या था? प्रतिभा संपन्न। प्रतिभा संपन्न, तो देखिए, बीजगुप्त महाप्रभु रत्नालंबर का शिष्य था। उसने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया और वह विद्वान तर्कशील
विद्वान और तर्कशील और प्रतिभा संपन्न था। यशोधरा को उसकी बातें सुनकर आश्चर्य होता था। अभी तक वह बीजगुप्त को केवल एक चरित्रवान व्यक्ति समझती थी, आज उसे मालूम हुआ कि बीजगुप्त में उच्च चरित्र के साथ उच्च कोटि का मस्तिष्क भी है, अर्थात उसकी जो सोच थी वह बहुत बड़ी प्रतिभा की धनी थी। अच्छी बातें उसके दिमाग के अंदर आया करती थी और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बीजगुप्त के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति प्रणीत की जा सकती है। दूसरा गुण जो था उसका था आस्थावान। बीजगुप्त जो कैसे थे? आस्थावान, आस्था रखने वाले। यही विशेषता हमने चित्रलेखा की भी देखी, उसके अंदर भी प्रतिभा थी, सच्चा सच्ची प्रेमिका भी वो भी थी, उच्च कोटि की धनी थी, विदुषी थी और उसके बाद आस्थावान थी। वो ये गुण उसके अंदर भी देखने को मिला। बीजगुप्त यद्यपि स्वभाव से भोगी प्रवृत्ति का था, लेकिन ईश्वर, धर्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्म फल का उसको बहुत बड़ा विश्वास था। वह श्वेतांग से कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र विचार वाला प्राणी होते हुए भी परिस्थितियों का दास होता है। मनुष्य किसका दास होता है? परिस्थितियों का दास होता है। वह परिस्थिति के चक्र में पड़ा हुआ है। पुनर्जन्म के कर्म फल का विधान है। मनुष्य की विजय वही संभव है जहां वह परिस्थितियों के चक्र में पड़कर उसी के साथ चक्कर न खाए, वरन अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को समझकर उसका विचार कर उस पर विजय प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो क्या था? एक आस्थावान व्यक्ति भी थे। अगली विशेषता उनकी थी, वो एक अच्छे गायक थे, कुशल गायक। कुशल गायक। तो देखिए, बीजगुप्त यद्यपि स्वभाव से भोगी प्रवृत्ति का था, लेकिन बीजगुप्त को संगीत तथा उसके विविध राग रागनियों का अच्छा ज्ञान था और उनका भी उसको आवाज था। वह एक कुशल गायक था। यशोधरा की वर्षगांठ के उत्सव पर जब उसने राग बांगेश्वरी के आलाप भरी, तब चारों ओर निस्तब्धता छा गई। आश्चर्यचकित हो गए सब लोग सुन करके। स्त्री और पुरुष दोनों मंत्रमुग्ध होकर बीजगुप्त के गाने की धुन को सुन रहे थे। और देखिए, एक वो था स्पष्ट वक्ता। स्पष्ट वक्ता का मतलब होता है जो स्पष्ट बात कहने वाला, स्पष्ट वक्ता। तो देखिए, बीजगुप्त मधुरभाषी था, सत्यवादी था और स्पष्ट बात को कहने वाला था। उसे जो कहना होता था वह स्पष्ट कहता था। जब श्वेतांग चित्रलेखा की ओर आकर्षित होता है तो उसे अनुभव होता है कि उसने कोई अपराध किया है, तब बीजगुप्त श्वेतांग की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, श्वेतांग, मुझसे क्षमा प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कुछ किया है उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थिति में तुम्हारा दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ किया है वह उचित किया है और जो कुछ करते हो वह भी उचित ही करते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष होता है केवल परिस्थितियों का। मैं प्रसन्न हूं, अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं होता है, विचार कर्म का साधन मात्र है। वो कहता है कि वह सामंत मृत्युंजय से कहता है कि लोक की दृष्टि से अविवाहित हूं, पर मैं वास्तव में विवाहित हूं, चित्रलेखा मेरी पत्नी है। यद्यपि चित्रलेखा का पाणिग्रहण मैंने शास्त्र अनुसार नहीं किया है और समाज के नियम अनुसार भी मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी मेरा और चित्रलेखा का जो संबंध है वो पति पत्नी के जैसा ही है, अर्थात मैं उसको मेरी पत्नी ही समझता हूं। तो इस आधार पर हम ये जो गुण थे ये किसके अंदर थे? नायक बीजगुप्त के अंदर थे।